नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिनभर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं। उनकी ये यात्रा अमेरिका की स्टेट विजिट है। गुरुवार को अमेरिका यात्रा के दौरान दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से गर्मजोशी के साथ उनका मुलाकात की। गर्मजोशी के साथ जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। स्वागत के बाद दोनों देशों का नेशनल एंथम गाया गया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना स्पीच दिया। उनके बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। व्हाइट हाउस पहुंचने पर पीएम मोदी का राजकीय स्वागत किया गया और इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी सुनाई दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। इसके साथ पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, पशु चिकित्सा, उच्च शिक्षा और महिलाओं को लेकर कुछ अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने 109 नगरीय निकायों में 1980 सड़क विकास और मरम्मत कार्यों के लिए 712 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दे दी है। राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं लड़कियों को अब आधा किराया ही देना होगा। वोल्वो समेत सभी कैटेगरी की बसों के किराए में 50% छूट गुरुवार रात 12 बजे से मिलने लगेगी। यह छूट राजस्थान की सीमा तक दी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रोडवेज प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं इस बात को लेकर। इधर पिछले कई दिनों से अशोकनगर थाने के सामने धरना दे रहे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के सांसद, राज्यसभा सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा और चाकसू थाने ने लाया गया है। थाने में पहुंचने पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। दरअसल गुरुवार सुबह 9 बजे से ही सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर बैठे थे और नहाने के लिए जैसे रवाना हुए पुलिस ने धरना स्थल को घेर लिया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष भी चाकसू पहुंचे और उन्होंने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई पूरे प्रदेश भर में शुरू होगी। कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। तो इधर किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी को लेकर सीपी जोशी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार पर कांग्रेस जीरो टॉलरेंस की बात करती है, गांधी बनने का नाटक करती है। मुख्यमंत्री का गांधी बनने का नकाब उतर चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच तो कहती है हर मामले की FIR दर्ज होगी, लेकिन भ्रष्टाचार मामले में सबूत होने के बाद भी मामला दर्ज नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार की कलाई खोल रहे हैं तो आप अगर वास्तव में सच हैं तो FIR लॉज करने में क्या दिक्कत है। एक तरफ आप जनता के बीच में कहते हैं कि राजस्थान में कोई भी व्यक्ति आए अपनी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, तो दूसरी तरफ हमारे एक माननीय सांसद लाल मीणा जी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे थे और उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए किस प्रकार का दोहरा चरित्र सरकार का है, जहाँ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं, गांधीवादी बनते हैं। लेकिन तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कांग्रेस में पहले पदाधिकारी बनाए जाते हैं फिर रोक लगा दी जाती है। कांग्रेस में पदाधिकारी बनाने में भी चांदी कूटने का काम किया जाता है। कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि BJP में तो अध्यक्ष की नहीं नेता प्रतिपक्ष की चलती है। हमारे यहाँ अध्यक्ष इंस्टीट्यूशन है, अध्यक्ष व्यक्ति नहीं है। ये पार्टी प्रेसिडेंट ड्रिवेन पार्टी है, इसलिए बिना अध्यक्ष की अनुमति से कुछ नहीं करते। अध्यक्ष ही हमारा नेता है। वो पूछना चाहते हैं कि BJP संगठन जीरो हो गया है, उनके कहने से क्या, वो कौन होते हैं हमें ये प्रमाण पत्र देने वाला? वो अपने देखो ना, उनका संगठन है कहाँ? कहाँ उनकी PCC, कहाँ उनकी DCC, कहाँ उनके ब्लॉक कांग्रेस? वो अपनी गरीबान में जाए। पायलट गुट के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। शेखावत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए चुनाव में लड़ने का ऐलान किया। साथ ही श्री माधोपुर की जनता का आभार जताया।
श्री माधोपुर से कांग्रेस विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया के जरिए बयान जारी करते हुए कहा कि जनता ने मेरा समय समय पर साथ और समर्थन किया है, इसलिए मैं श्री माधोपुर की जनता का सदैव आभारी रहूंगा। तो सरकार की योजनाएं और विकास की श्रृंखला बहुत लंबी है, आप सब लोग जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। आज आप लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और उधर सचिन पायलट के घर टोंक में राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, जहां राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशोर टांक ने आज जिलाध्यक्ष रामगोपाल सोनी को नियुक्ति पत्र सौंपा और व्यापारियों के साथ बैठक कर चारों विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति बनाई। तो वहीं व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मनीष बंसल और महामंत्री आनंद बम के साथ किशोर टांक बाजार में व्यापारियों से मुलाकात उन्होंने की। उधर बीकानेर में गैंगरेप और हत्या के मामले में करीब 36 घंटे के बाद पुलिस और परिजनों की सहमति बनी है। बता दें कि पूरे मामले को लेकर बीकानेर रेंज आईजी और परिजनों की वार्ता सफल रही। जानकारी के मुताबिक परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इस वार्ता में अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी, भाजपा जिलाध्यक्ष जालम सिंह, पूर्व विधायक विश्वनाथ और आरएलपी नेता विजयपाल बेनीवाल मौजूद रहे। बता दें कि दोनों कांस्टेबल आरोपी पुलिस की निगरानी में रहेंगे। उधर परिजन अभी भी आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। खाजेवाला थाने में प्रकरण संख्या 162 रेप और मर्डर की धाराओं में दर्ज किया गया है, जिसमें एक युवती की लाश मिली है और इसका पोस्टमार्टम अभी परिवारजनों से वार्ता करने के बाद शुरू कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य आएंगे उस पर अन्वेषण किया जाएगा। जहाँ तक अन्वेषण की बात है, रेंज स्तर पे एक टीम गठित की जाएगी, जिसमें जिला पुलिस की भी टीम होगी और अन्य जिले की टीम होगी और रेंज ऑफिस के सुपरविजन में और एसपी ऑफिस के सपोर्ट के साथ ये जांच करेगी और हम निष्पक्ष और पारदर्शी अनुसंधान सुनिश्चित करेंगे। जो विक्टिम पक्ष कोई भी तथ्य रखना चाहे उस पर हम अन्वेषण के लिए खुला फोरम छोड़ रहे हैं कि अपनी बात रख सकते हैं, जिस पर कि पुलिस जाँच करेगी। उधर बीकानेर की खाजूवाला में गैंगरेप और हत्या मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। आपको बता दें कि युवती के परिजनों ने शव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मृतका के परिजनों ने एक वीडियो जारी कर शव लेने से इनकार किया है, साथ ही परिवार ने धरना देने की चेतावनी दी है और सभी मांगों को ठुकराते हुए दोषियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिए जाने की मांग भी की है। तो बीकानेर से खबर, जहां पर परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया, साथ ही फांसी की सजा की मांग परिजन लगातार कर रहे हैं। वीडियो संदेश जारी कर इनकार किया है शव लेने से। गैंगरेप और हत्या का मामला है बीकानेर से, जहां पर परिजनों ने शव लेने से इनकार किया। राजधानी के हेरिटेज नगर निगम में अतिरिक्त आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस की महापौर के साथ समर्थक पार्षदों ने इस्तीफा दिया है और 6 दिनों के धरने पर बैठ गए हैं, जिसको लेकर विधायक रफीक ने कहा कि मामला प्रभारी रंधावा जी के संज्ञान में है, जल्दी मामला सुलझा लिया जाएगा। कभी कभार किसी बात को लेकर हर्ट हो जाता है, नाराजगी हो लाजमी है, हम सब मिलकर इस मामले को सुलझा देंगे। कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, स्थितियां आती है, जब अपन राजनीति में होते हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां आती है जिसको इंटरवीन करके सुलझाया जाता है और उसको बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे राजनीतिक नुकसान होने की कोई संभावना हो। हम अपने लेवल पे जो बात मेरिट पे सही होगी उसका डिसीजन करेंगे और करके, अभी रंधावा जी ने इंटरव्यू किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। उधर जयपुर में नगीना व्यापारी ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड से पहले उसने वीडियो बनाकर अपने बिजनेस पार्टनर्स पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। वीडियो में कहा कि मुझे इतना टॉर्चर किया गया है कि अब आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मामला गलता गेट थाना क्षेत्र के मोहल्ला इच्छावतान बदनपुरा का है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ कारोबार से, हर चीज से, बिजनेस नहीं कर सकता, मार्केट में काम नहीं कर सकता। लतीफ़ और अंसार ने
मुझे इतना परेशान कर दिया कि मेरे पास आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूँ ये गुनाह है, पर क्या करूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरा पूरा करियर, मेरी सारी मेहनत, सब कुछ इन लोगों ने ख़राब कर दी। मेरा सारा पैसा इन्होंने बाज़ार में रुकवा दिया। पहले इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था, मेरे घर वालों के साथ भी इन्होंने गलत किया था। दोबारा से इन्होंने बाज़ार में इतना टॉर्चर करने लग गए मुझे कि आए कभी भी रास्ते में मिलते हैं तो कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं। लतीफ़ और अंसार और लतीफ़ का लड़का आशु, मैं इन लोगों की वजह से अपनी जीवन में इतना परेशान हो चुका हूं कि मैं समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दौसा से, जहां पर तीन महिलाओं ने सरेआम बीच सड़क पर युवक की धुनाई की है। महिलाओं ने युवक पर चप्पलों से ताबड़तोड़ वार किया और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहगीरों ने बीच पेशाब कर युवक और महिलाओं को अलग करवाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दौसा की तस्वीरें, राजस्थान के दौसा की, जहां पर सरेआम सड़क पर युवक की धुनाई हुई है। महिलाओं ने चप्पलों से ताबड़तोड़ वार किए हैं, राहगीरों ने बीच पेशाब कराया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कोटा के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर रामगंज मंडी विधायक मदन दिला दौसा से खबर आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, सरेआम युवक पर युवक की धुनाई की गई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से बीच सड़क पर महिलाओं के द्वारा इस युवक की चप्पलों से दे दनादन पिटाई की जा रही है। कोटा जिले के रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर आज बारा पहुंचे, जहां मृतक कांग्रेस नेता गौरव शर्मा के परिजनों को सांत्वना दी। विधायक ने बारा में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर रोष जताते हुए गौरव शर्मा हत्याकांड में खान मंत्री विधायक के षड्यंत्र में आरोप होने का शामिल होने का आरोप भी लगाया। और इस जिले के लिए इधर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इनर कमेटी की ओर से श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार नियुक्त किए गए हैं। साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह की सेवा के लिए एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पंथक संगठनों, निहंग सिंह पार्टियों, सिख संप्रदायों, गुरमीत टकसालों, पंथक नेताओं, संतों और संगतों समेत सिख संगठनों के कई प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कहा कि एक अमृतधारी सिख की दाढ़ी कटना बेहद निंदनीय है, साथ ही जिस तरह से सरकार SGPC को निशाना बना रही है उससे सभी को अवगत होने की जरूरत है। तो ज्ञानी रघुवीर सिंह बने हैं नए जत्थेदार, कई सिख संगठनों ने हिस्सा लिया इस पूरे कार्यक्रम में। अमृतसर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब आज चंडीगढ़ की, जहां पर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा का एक वीडियो दिखाया और कहा है कि विपक्ष ने जब ऐतराज जताया तो मैंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से ये किया जा रहा है वो मेरी कोशिश ये होती तो हम विपक्ष को भी साथ लेकर चलते, लेकिन जिस पर राज्यपाल को आरोपी बना रहे हैं वो सही नहीं है। इसके आगे उन्होंने कहा कि मुझे राज्यपाल के पद की गरिमा बनाकर रखना है, मैंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल निजी काम के लिए नहीं किया। तो वीडियो जारी करके बात कही है राज्यपाल ने, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं।
मैं बीच में क्यों आया भाई? हरियाणा और पंजाब का मामला, मेरा बीच में आने का रीजन क्या? वो तुमको मालूम नहीं है। एक्चुअली इंटर स्टेट का नॉर्थ जोनल काउंसिल है, उसका जयपुर में मीटिंग था 9 जुलाई 2022 को। और खबर हरियाणा से, जहां पर 70 वर्षों से पुराने पेड़ों के मालिकों के लिए खुशखबरी है, इन्हें जल्द ही पेंशन का लाभ मिलने वाला है। इसको लेकर जल्द ही एक नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। हरियाणा में लगभग 3,300 से ज्यादा पेड़ों को इस पेंशन का लाभ मिलेगा। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी साझा की। पेंशन हम बुजुर्गों को देते हैं, उतनी पेंशन प्रति वर्ष हम उस पेड़ की भी देंगे जो पेड़ 70 साल से पुराना होगा, ताकि उनको संरक्षण दिया जा सके और उनके प्रति लोगों का झुकाव हो, उनके प्रति सम्मान भी बढ़े, और जो उनको मान लो छोटा मोटा कोई नुकसान भी सहन करना पड़ता है उसकी भी पूर्ति हम उससे कर देंगे। और ये स्कीम पूरे देश में हमारी पहली स्कीम है। अभी तक मैं समझता हूँ कि अपने देश में कहीं भी किसी भी राज्य में इस प्रकार की स्कीम नहीं है। अभी जब मैं पर्यावरण की एक बैठक रखी गई थी, तब मैंने कई प्रदेश के जो मंत्री थे उनके साथ मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मुझसे भी कहा कि मैं इसकी स्कीम के बारे में बताऊँ, आपने अच्छी स्कीम शुरू की, तो हमने स्कीम शुरू की। मैं समझता हूँ जो हमारे पुराने पेड़ हैं उनसे उनको बहुत बड़ा इससे इस स्कीम की वजह से संरक्षण मिलेगा और जो जीव जंतु हैं उनको भी इससे बड़ा लाभ मिलेगा। अम्बाला में पिछले 6 महीने से वेतन न मिलने को लेकर वन विभाग के मजदूर धरने पर बैठ गए हैं। मजदूरों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारियों ने उनकी तनख्वाह के लिए आगे आए पैसों को कहीं और इस्तेमाल कर लिया है। बता दें कि मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जल्द ही उनकी 6 महीने की पेंडिंग तनख्वाह नहीं मिली तो 7 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन वो करेंगे। उधर अम्बाला में नशा तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अम्बाला पुलिस रोजाना नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में लगी है और इस कड़ी में पुलिस ने हरीश कुमार और उर्फ आसू को 720 नशीली गोलियां और 552 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी हरीश पर पहले से कोई मामला दर्ज नहीं है, लेकिन नशा तस्करों के साथ हरीश के लिंक बताए जा रहे हैं। तो नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया अम्बाला से, नशा तस्करों के साथ इसके लिंक भी बताए जा रहे हैं और नशा तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं हरियाणा में। उसको लेकर पुलिस ने पूरा ऑपरेशन चलाया है जिसके तहत 720 नशीली गोलियों के साथ ये आरोपी पकड़ा गया है। राजस्थान से बीजेपी विधायक रामलाल ने बीकानेर में दलित युवती से दुष्कर्म मामले में सरकार का घेराव किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बनकर घूम रहे हैं और सीएम केवल सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई और इस हत्या के अंदर आरोपी भी वो हैं जिनको जनता का रक्षक कहा जाता है, लेकिन रक्षक ही भक्षक बन जाए तो प्रदेश को बचाने वाला कौन होगा? तो सीएम सिर्फ बयानबाजी करते हैं ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के विधायक का, और न सीधे विधायक रामलाल ने पूरा आरोप लगाया है सरकार के ऊपर और कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बनकर घूमे तो कैसी कानून व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। ब्रिटेन में इतना ही खबरें लगातार जारी हैं।